नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही रिपोर्ट्स अगर करेक्ट हैं, 100% ठीक हैं, उसमें कोई भी इनफर्टिलिटी इशू नहीं बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, एक साल भी हो चुका है तब भी आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? ये एक उलझन की कंडीशन है, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हम उसका समाधान करते हैं, उसका उपाय करते हैं, लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसी कंडीशन में एक मेजर रीजन जो होता है, ऐसे कई रीजन है लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है एग की क्वालिटी। एग की क्वालिटी अगर पुअर है तो फर्टिलाइजेशन सफल नहीं हो पाता और गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो क्या करें? अब बात आती है कि एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे कई पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उन सभी को अगर आपने ठीक से फॉलो किया तो रिसर्चेज ये बताती हैं कि हफ्ते दो हफ्ते में ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाता है। आपको खुद इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा और दो तीन महीने फॉलो करने पर एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर एग की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती है तो जनरली ऐसा PCOD और थायराइड की जो पेशेंट हैं महिला, उनको होता है ब्लाइटेटम की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट का ना आना, गर्भ गिर जाना, ऐसी कई समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो क्यों ना अगर गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो इन बताए हुए पॉइंट्स को भी फॉलो करें ताकि आपकी समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो सके। तो हम जिन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहला नंबर है डाइट का। डाइट में कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम फर्टिलिटी फूड कहते हैं। फर्टिलिटी फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट में। एंटीऑक्सीडेंट हमारे एग और स्पर्म की क्वालिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि हमारा खान पान ही हमारे शरीर को नरिश करता है, पोषण देता है और उसी से एग और स्पर्म बनते हैं। तो खान पान अगर सही है तो एग की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी। तो खाने में क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कुछ स्पाइसेस बताए हैं मैंने, जैसे कि दालचीनी बताई है, लौंग के बारे में बताया है, दालें, हरी सब्जियां और फल, साबुत अनाज, तेज पत्ता, पीपली, काली मिर्च, ऐसे बहुत सारे हमारे मसालों की कैटेगरी में से भी कई चीजें हैं। इन चीजों को प्रायोरिटी से अपने डेली के खाने में रखिए। दालें जरूर रखिए, हरी सब्जियां, फल जरूर रखिए, बेरीज, जितने रंगीन फल होते हैं, जितनी रंगीन बेरीज होती हैं, उनमें उतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पावर होता है। तो आप बेरीज को जरूर शामिल कीजिए अपने खान पान में। जितनी हरी सब्जियां खाएंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की अगर प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी और आपकी एग की क्वालिटी बढ़ने में, अच्छी होने में वो मदद करेगा। साथ ही गुड क्वालिटी प्रोटीन, अगर आप दालें, फल, सब्जियां अच्छे से खाते हैं तो प्लांट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट प्रोटीन के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है। एग की क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उन सभी की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के साथ ही अगर आपको एग की क्वालिटी की इश्यू है तो उन वीडियोज को भी आप जरूर देखें, ताकि सभी चीजों को आप अच्छे से समझें और फॉलो करने में आपको आसानी हो। तो फ्रेंड्स, प्लांट प्रोटीन बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, आपको प्लांट प्रोटीन सोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए। आप एग खाते हैं तो डेली एक बॉइल्ड एग्स जरूर खाएं। नट्स एंड सीड्स, अखरोट, बादाम, इनमें बहुत हेल्दी फैट होता है जो आपके शरीर को नरिश करने में आपकी मदद करता है। ये हो गई खान पान की बात। दूसरी चीज है एक्सरसाइज और वजन। आपका कम वजन होना या आपका ज्यादा वजन होना, दोनों ही एग क्वालिटी ओव्यूलेशन और कंसीव करने के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका वजन आपके BMI इंडेक्स में रेंज में होना चाहिए। 21-22 के आसपास अगर आपका BMI इंडेक्स आता है, BMI इंडेक्स नहीं पता है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें जाके आप अपना हाइट वेट डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना BMI इंडेक्स ठीक रखें। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, दोनों ही गलत है। मिड में आना है आपको। कुछ योगासन जो फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले हैं, जो पीरियड के बाद से ओवुलेशन तक करने चाहिए, उस पर मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप सीखें, आपको पता चले कि ये आसन इस समय करने चाहिए और इससे ओवुलेशन ट्रिगर होता है और एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उन आसनों को करें, आप डेली वॉक करें, डेली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप डेली नहीं करते तो हफ्ते के 3 से 5 दिन फिक्स कर लें कि मुझे एक्सरसाइज जरूर करनी है। एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक रिसर्च है जिसमें क्रोमाथेरेपी के बारे में बताया गया है। क्रोमाथेरेपी क्या है? क्रोमाथेरेपी का मतलब है सनलाइट, सूर्य से जो ऊर्जा आती है उससे पानी को चार्ज किया जाता है और उस पानी को यूज करने से विद इन टाइम लिमिट, वो वीडियो आप समझे देखें तब आपको विधि समझ में आएगी। तो क्रोमाथेरेपी से चार्ज्ड वाटर जब आप लेते हैं वो भी आपकी एग क्वालिटी पे फर्क डालता है। अगली चीज है स्ट्रेस। जब महिलाओं को गर्भधारण नहीं हो रहा होता है तो वो इस चिंता में बहुत ज्यादा डूब जाती हैं और एक विशेष साइकिल में पड़ जाती हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही हूँ।
आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, आप इसका स्ट्रेस लेंगी तो आप प्रेग्नेंट कैसे होंगी? तो आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा, आपको केवल खुश रहने, अपने खान पान पे ज्यादा फोकस करना है। आप अपना ध्यान उधर डाइवर्ट कीजिए ताकि आपके दिमाग में विचार ना आए कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आप जब स्ट्रेस से बाहर आएंगे, आपके हॉर्मोन्स में जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खान पान ठीक कीजिए, स्ट्रेस एकदम भाग जाएगा। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, तब ऐसी कंडीशन में सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि दिए जाते हैं एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और वो सप्लीमेंट्स आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह से आप भी ले सकते हैं। वो सप्लीमेंट्स होते क्या हैं? वो सप्लीमेंट्स हैं CoQ10, कई एंटीऑक्सीडेंट हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कई मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक, फॉलेट, आयरन। कहा जाता है आयरन एनीमिया को दूर करता है, खून की कमी दूर करता है। केवल आयरन खून की ही कमी दूर नहीं करता, आयरन एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन, कैल्शियम, जिंक रिच फूड खाना, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें नट्स में, लेंटिल्स में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और कमी अगर है, डेफिशिएंसी अगर है, तो उसका आप टेस्ट करवाइए और सप्लीमेंट्स उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। इसके अलावा मायो इनोसिटॉल एक बहुत अच्छा एक्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट है, जनरली PCOD में दिया जाता है। आर्जिनिन है, DHA है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। तो अगर आप ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ये सप्लीमेंट्स आप लीजिए, इससे आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होगी। लेकिन लाइफ स्टाइल, खान पान को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता, आपको सबसे पहले उन चीजों को ठीक करना होगा, तनाव से बचना होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत मदद करेगी और इससे आप भी लाभ लेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।